नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू करी है नई, जिसका नाम है करंट अफेयर्स, जो है हिमाचल प्रदेश के जो भी घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में एक डेढ़ साल में, वो जो है हमने करंट अफेयर्स जो आपका जो कुछ भी न्यूज़ में रहा है वो हमने इसमें कवर किया है। तो ये उसी कड़ी का पार्ट टू है। तो सबसे पहले जो हमने कल जो लास्ट पार्ट था इसका, जो पार्ट वन बनाया हमने, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे थे कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये 2000 जो आपका 19 में HS हुआ था वो वाले क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर से आए थे, जो जो आपका नेशनल करंट अफेयर है उससे जो आए थे वो है ये नेशनल, और जो आपका इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर आता है वो उससे जो ये सारे क्वेश्चन आए थे। और इसका जो सही जवाब जिसके जो इसके जो सही आंसर दिए थे वो सचिन ठाकुर, ये जो है ये हमारे एक व्यूअर है, ये उन्होंने जो है इसके आंसर दिए हैं। तो उनके लिए सबसे पहले तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने रिप्लाई किया और ये उनके आंसर्स है। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हम आज का करंट अफेयर शुरू करेंगे एक योजना के साथ। तो जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है उसने एक योजना लॉन्च की, मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना, मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना। इस योजना के बारे में जानते हैं। तो ये योजना जो है दोस्तों, ये जो 75% जो है ग्रांट है, जो आर्टिशंस होते हैं, जो आपके जो आर्टिशंस हैं, जो आपका मिस्त्री का काम करते हैं या फिर आपका जो कलाकार लोग हैं, जो उनके लिए जो है ये 75% ग्रांट देगा जो BPL के लोग हैं। और ये 75% ग्रांट जो है उनको मिलेगी अगर वो परचेज करते हैं नए इक्विपमेंट, अगर वो नए औजार जो है उनकी खरीद के लिए जो है उनको 75% जो ग्रांट मिलेगी, 30,000 तक के जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उस पर 75% की तक की ग्रांट मिलेगी। तो ये कौन सी योजना है? ये है मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना। 75% इसमें ग्रांट मिलेगी जो हिमाचल के आर्टिशंस है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और किस चीज़ के लिए उनको 75% ग्रांट मिलेगी? अगर वो न्यू इक्विपमेंट्स 30,000 तक के नए औजार खरीदते हैं। तो चलिए अगले करंट अफेयर की ओर। तो ये जो है एक स्कीम है विक्टिम ऑफ क्राइम कंपेंसेशन, जो विक्टिम ऑफ क्राइम है उनके लिए जो कंपेंसेशन मिलती है वो स्कीम है। तो इसमें जो है जो रिलीफ है, जो पहले रिलीफ मिलता था उसमें जो है बढ़ोतरी करी गई है, जो आपके रेप और एसिड विक्टम्स है उनके जो है कंपनसेशन में बढ़ोतरी की गई है। पहले जो ये कंपनसेशन है ये मिलती थी 1,00,000 रुपए, अब ये 1,00,000 से बढ़ा के 3,00,000 कर दी है। पहले ये जो आपके विक्टम्स थे उनको जो रिलीफ मिलता था वो 1,00,000 का रिलीफ मिलता था, अब जो रिलीफ कंपनसेशन है वो 3,00,000 तक का कंपनसेशन मिलेगी। और इसमें अगर जो विक्टिम है वो माइनर है, माइनर मतलब अगर वो 14 साल से कम उम्र का है विक्टिम, तो ये जो आपका अमाउंट है ये 50% बढ़ जाएगा। बोलने का मतलब है कि जो कंपनसेशन है वो 3,00,000 रुपए मिलेगा, मगर अगर वो माइनर है तो इसमें 50% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब 3 का 50% 1.5, तो मतलब 4.5 लाख जो है वो माइनर को मिलेगा विक्टिम ऑफ क्राइम कंपनसेशन स्कीम के तहत। अगर अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो ये बात कर रहे हैं हम स्वच्छ सर्वेक्षण। तो अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की 2019 की बात करें तो हिमाचल का रैंक जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो HP का जो रैंक रहा वो 20वां स्थान रहा, जो हिमाचल प्रदेश का स्थान रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में 2019 में, ये 20वां स्थान रहा आपका, जो आपके राज्य उस समय 29 राज्य थे तो उन 29 राज्यों के बीच बीच में 20वां स्थान रहा। और अगर बात करें शहर में तो अगेन शहर में भी कोई ज़्यादा खास नहीं, लेकिन फिर भी हिमाचल में जो शिमला है उसका 128वां जो है वो रैंक रहा, या एक 128th प्लेस रहा। और अगर बात करें कंटोनमेंट बोर्ड्स की, जो आपका कंटोनमेंट एरिया है जो आर्मी के अंडर है, उसमें अगर हम बात करें तो एक
अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जो पूरे इंडिया में जो थर्ड प्लेस है वो आपका जो शिमला में, शिमला का जतोक है, वहाँ पर का जो कंटोनमेंट बोर्ड है जतोक का, उसने जो है पूरे इंडिया में थर्ड जो आपका प्लेस है वो हासिल किया है। तो अगली बात करें अगर हम अगले करंट अफेयर की, तो हम जो है एक फेयर की बात करेंगे, ये है यमुना शरद महोत्सव। तो सबसे पहले जानते हैं ये यमुना शरद महोत्सव होता कहाँ है। तो ये जो शरद महोत्सव है ये पौंटा साहिब, जो आपका सिरमौर का जो पौंटा साहिब है वहाँ पर ये जो है एक फेयर होता है यमुना शरद महोत्सव। अब ये क्यों, ये पिछले साल जो है न्यूज़ में था, तो जानते हैं ये क्यों न्यूज़ में था। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने जो है इसे डिक्लेयर किया था एज अ स्टेट लेवल फेयर। तो स्टेट लेवल फेयर जो है इसको पिछले साल ही रिसेंट ही इसको डिक्लेयर किया था, इसलिए ये जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यमुना शरद महोत्सव, और ये सिरमौर के पौंटा साहिब एरिया में जो है ये मनाया जाता है। अगर हम अगले करंट अफेयर की बात करें, ये आप एक मशीन देख रहे हैं, ये जो है एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है। तो अगर हम बात करें तो जितने भी हिमाचल प्रदेश में बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर जो है इस तरह की एक मशीन लगाई जाएगी, जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है वो लगाई जाएगी। तो जो इसका फेज़ वन है उसके तहत जो आपका ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का और कुल्लू, हमीरपुर और पालमपुर, जो यहाँ के जो बस स्टैंड्स है उसमें पहले फेज़ में जो है यहाँ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। और जो ये सेंडिंग जो है आपका सैनिटरी नैपकिन होगा, जो सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है इसमें जो सैनिटरी नैपकिन होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन 5 रुपये का एक जो है आपको पैक मिलेगा, एक पैक सैनिटरी नैपकिन आपको 5 रुपये का मिलेगा। तो अगर हम बात करें अगले करंट अफेयर की, तो एक बहुत ही एम्बिशियस जो आपका, ये भी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो एम्स का है जो हिमाचल प्रदेश में, तो जानते हैं इसके बारे में। ये जो है आपका जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जो ये खुल रहा है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के कोठीपुरा में। तो जो ये एम्स है ये कोठीपुरा में जो है आपका यहाँ पर जो है ये इसका काम जो है चल रहा है, ये निर्माणाधीन है। और अगर बात करें इसकी कॉस्ट की, तो तकरीबन 1,351 करोड़ जो है इसकी लागत है। और अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो इसमें तकरीबन 750 जो है इसमें वो बेड होंगे, और जिसमें से जो 300 बेड होंगे वो सुपर स्पेशलिटी के होंगे, मतलब वो डिलक्स बेड्स होंगे। और अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो एक पोषण अभियान है जो सरकार ने पोषण अभियान चलाया था, एक मंथ भी था पोषण मंथ, तो वो जो सितंबर मंथ था उसको हमने पोषण मंथ के रूप में मनाया था। तो जानते हैं हमारे लिए इसमें क्या है। तो जो ये पोषण अभियान हुआ इसमें जो हिमाचल प्रदेश है इसको 3 अवार्ड्स मिले। तो हिमाचल प्रदेश को जो पोषण अभियान है इसके तहत 3 अवार्ड्स जो है हिमाचल प्रदेश ने वो जीते। जो पहला अवार्ड था वो था कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, दूसरा जो था ICDS और CAS में, और जो तीसरा मिला वो मिला जो ओवरऑल एक्सीलेंस थी पोषण अभियान में। तो ये एक अच्छी खबर थी हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो है पोषण अभियान, ये एक्चुअल में ये जो है ये माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन को भगाने के लिए, मतलब आपका जो है सही पोषण के लिए जो है, ताकि बच्चों और महिलाओं में सही आपका जो पोषण बना रहे उसके लिए जो है ये पोषण अभियान चलाया गया। तो और इसमें जो जो अवार्ड था उसकी जो मनी थी वो तकरीबन 2.25 करोड़ जो है वो जो जिसको भी जो अवार्ड मनी थी वो थी 2.25 करोड़। और अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं ये अनुराग ठाकुर, ये श्री जयराम ठाकुर, और ये आपके जेपी नड्डा। ये जो जेपी नड्डा जी है ये उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे, जो इंडिया के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा जी। वर्तमान में जो जेपी नड्डा जी है वो आपके बीजेपी के जो राष्ट्रीय जो आपके वो इस टाइम नेशनल प्रेसिडेंट जो है बीजेपी के वो है जेपी नड्डा जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जानकारी है। और अगर हम अब बात करें, तो ये एक PGI सैटेलाइट सेंटर खुला है। तो ये जो PGI सैटेलाइट सेंटर खुला है ये आपका
ऊना के मलाट एक जगह है ऊना में, वहाँ पर जो है ये PGI सैटेलाइट सेंटर खुला है, और इसकी जो इसका जो अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और इसकी जो कम लागत होगी वो तकरीबन 480 करोड़। अगर हम अगले करंट अफेयर की बात करें तो ये जो एक जगह है, बहुत सारे लोग इस जगह को जानते होंगे, और यहाँ पर जो है वो वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाई जा रही है। जो ये जगह है वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाई जा रही है, बहुत सारे लोगों ने तो गैस भी कर लिया है कि ये कौन सी जगह है। जी हाँ, तो जो तातापानी है वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाई जाएगी, तो ये टूरिज़्म के उसके उसमें बहुत ही ज़रूरी है ये जानकारी हमारे लिए भी, कि हम जो है वो वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशंस जो है वो डेवलप करेंगे कहाँ पर, ताता पानी में। और अगला अगर करंट अफेयर की बात करें तो इंडिया जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसको बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है। तो ये जो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड जो हिमाचल प्रदेश को मिला है, ये अवार्ड दिया है ICFA, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो इसके द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है। तो अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली है, हिमाचल असेंबली है, उन्होंने एक बिल पास किया था, और जो संस्कृत है ये भी काफ़ी चर्चा में रहा पिछले साल, काफ़ी चर्चा में रहा, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया कि हिमाचल प्रदेश में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया, तो वो जो आपकी संस्कृत है, संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज वो बनाया गया। और अगर हम बात करें एक और योजना है, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि योजना, लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि योजना। अगर हम इस योजना की हम बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि जो कैबिनेट है उसने डिसाइड किया कि ग्यारह हज़ार रुपये हैं वो दिए जाएंगे प्रति माह जो इस स्कीम के तहत जो है बेनिफिशरीज होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये स्कीम किसके लिए है, कौन बेनिफिशरी है। तो इसमें जो भी लोग अरेस्टेड हुए थे, ये स्कीम सबसे पहले तो लॉन्च की गई थी पिछले साल फरवरी 2019 में, तो इसके तहत जो ये आपका मीसा एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अरेस्ट हुए थे, या आम भाषा में कहूँ जब देश में जो है इमरजेंसी लगी थी मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस समय जिन लोगों ने एजिटेट किया था और जो लोग जेल में गए थे, तो ये योजना उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों को जो है 11 महीने पर मंथ मिलेंगे, तो इसलिए ये योजना है लोकतंत्र प्रहारी सम्मान राशि योजना। तो जो इमरजेंसी के टाइम जेल में गए थे, तो उन लोगों के लिए जो है ये एक बेनिफिशरी स्कीम है। अगर हम अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो एक बहुत ही कॉमन फोटो है शिमला की, एक आम फोटो है शिमला की। आप सभी को पता होगा कि शिमला में जो है वो जो पानी है उसकी थोड़ी शॉर्टेज है, पानी की जो है वो किल्लत बनी रहती है, और 2018 में जो है वो एक वाटर क्राइसिस भी आ चुका है शिमला में। बहुत सारे नामी लोग, सचिन तेंदुलकर तक ने जो है इसके लिए ट्वीट किया था। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो हेल्प करेगा हिमाचल प्रदेश की, तो जानते हैं किस में हेल्प करेगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो हिमाचल प्रदेश की जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो मदद करेगा शिमला की, मतलब हिमाचल प्रदेश की वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा शिमला में जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम है। और जो वर्ल्ड बैंक है उसने साइन किया है 40 मिलियन का लोन, जो ये एग्रीमेंट है इसके तहत जो 40 मिलियन का लोन है वो साइन किया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि पिछली बार भी हमने क्वेश्चंस डाले थे, तो इस बार भी क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस है ये जो हमने पिछली बार पार्ट वन किया था ये उसी से रिलेटेड है। जो भी इसके आंसर देंगे तो उसका जो नाम है वो अगली जो पार्ट थ्री आएगा उसमें मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो नोमैडिक एलिफेंट है 2019 वो कंडक्ट की गई थी किन दो कंट्रीज़ के बीच और कहाँ पर, और दूसरा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया, और जो फर्स्ट मेगा फूड पार्क है हिमाचल प्रदेश का उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है। और अगर बात करें किताब की तो लॉयल्टी ऑफ द
लॉक एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, ये जो किताब है ये किसने लिखी है, और 16 प्रेम कहानियाँ, ये एक और किताब है और ये किसने लिखी है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, जो प्रीवियस वीडियो थी करंट अफेयर का जो पार्ट वन, ये उसमें है, उसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चंस है। तो धन्यवाद दोस्तों, हर बार की तरह आपको इस बार भी एक कोट के साथ छोड़ेंगे। तो ये कोट स्वामी जी का है, स्वामी विवेकानंद का, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ।